हेलो दोस्तों, दिस भाई त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, आज से हम शुरू करने वाले हैं अपने सी प्लस प्लस का जर्नी। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर वन। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सी प्लस प्लस है क्या, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, सी प्लस प्लस का हिस्ट्री क्या है, और भी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो सी प्लस प्लस पढ़ने से पहले हमें पता रहना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस कोर्स के दौरान मैं आपको सी प्लस प्लस बेसिक से लेके एडवांस तक सारा का सारा जो टॉपिक होता है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल एंड विथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। इस कोर्स को करने के बाद आप सी प्लस प्लस में मास्टर बन जाएंगे। आप सी प्लस प्लस में प्रोग्राम को थिंक करना, लॉजिक बिल्ड करना और प्रोग्राम को बनाना शुरू कर देंगे और अपने आप में आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू के लिए। इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है? तो हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सी प्लस प्लस के बारे में। तो देखिए, एक कोर्स का पहले हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं कि अभी हम लोग क्या क्या करने वाले हैं और एक कोर्स बेसिकली होने वाला किसके लिए है। तो अभी हम लोग कोर्स का ओवरव्यू करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कोर्स किसके लिए होने वाले हैं और क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है, फिर हम लोग कंप्लीट ट्यूटोरियल्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो ट्यूटोरियल होने वाला है बिगनर के लिए होने वाला है, और जो प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत फंडामेंटल जानते हैं वो लोग भी इसको कर सकते हैं, उनके लिए भी काफ़ी कुछ इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेगा। और जो आज तक किसी भी लैंग्वेज को जानते ही नहीं है उनके लिए तो काफ़ी प्लस पॉइंट है इसको शुरू से सीखने के लिए और हमसे कनेक्ट रहने के लिए, ठीक है? फिर इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड। मैंने इस कोर्स को काफ़ी आसान बनाया है ताकि कोई भी इसे यूज कर सकता है और कोई भी इसे क्या कर सकता है, समझ सकता है, ठीक है? और एक कोर्स कौन सीख सकता है, तो एनी वन हु वॉन्ट टू लर्न, कोई भी जो लर्न करना चाहता है विथ लर्निंग एटीट्यूड। उसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, कुछ सीखने की, कुछ कर गुजरने की एटीट्यूड होनी चाहिए। अगर उसके में लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, सीखने की इच्छा नहीं है, तो फिर मैं क्या उसको स्वयं भगवान भी नहीं समझा सकते, नहीं सिखा सकते। तो कोई भी जो लर्न करना चाहता है, जिसके पास लर्निंग एटीट्यूड है, वो इस कोर्स को लर्न कर सकता है, सीख सकता है। इसके अलावा हम लोग इस कोर्स में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज करने वाले हैं। हर एक वीडियो के अंत में, जब से हम लोग प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, तो हर एक वीडियो के अंत में आपको एक प्रोग्राम दूंगा, एक क्वेश्चन दूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है, और मैं उसका आंसर अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूंगा, जिसका लिंक कहाँ दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसको क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लिंक्डइन पर जाकर कनेक्ट हो जाइए। सारा का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए वहाँ कनेक्ट हो जाइए, ठीक? हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ने से पहले अब हमें ये जानना जरूरी है कि सी प्लस प्लस क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और टर्न प्रोग्रामिंग क्या है। और इसको जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि उसी समय से मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। आप क्यों समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और आपको हिंदी पता है। मैं इंग्लिश में अगर बोलता तो आपको इंग्लिश पता है तो आप समझ पाते, ठीक है? तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और आपको हिंदी पता है, मतलब जो लैंग्वेज में मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ वो लैंग्वेज आपको पता है, तो आप मेरा लैंग्वेज समझ पा रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आप कंप्यूटर का थोड़ा बहुत भी जानते हैं, कि जो कंप्यूटर होता है वो जीरो एंड वन मीन्स बाइनरी लैंग्वेज को सिर्फ समझता है। जीरो एंड वन सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, ठीक है? उसको हिंदी नहीं पता है, उसको इंग्लिश नहीं पता था, उसको इंग्लिश नहीं पता है, लेकिन उसको एक चीज पता है, क्या? बाइनरी लैंग्वेज जीरो एंड वन कंप्यूटर को पता है, इतना आपको पता चल गया। और हमें क्या पता है, हमें हिंदी इंग्लिश और भोजपुरी पता है। आपको क्या पता है, आपको हिंदी इंग्लिश और कोई आपका लोकल लैंग्वेज होगा वो आपको पता है, ठीक है? तो हम आपको समझा पा रहे हैं क्योंकि आप मेरे लैंग्वेज समझ पा रहे हैं, आप हिंदी समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं समझता है। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए बहुत सारे लैंग्वेज हैं, कंप्यूटर को समझाने के लिए कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। तो प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, वैसा लैंग्वेज जिससे हम लोग अपनी बातों को कंप्यूटर को समझाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, द वे टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट करना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग बोलते हैं। कोई दिक्कत, कितना आसानी से मैंने समझा दिया। अब उसके बाद आता है व्हाट इज कोडिंग। बहुत सारे बच्चे से अगर आप ये सवाल पूछेंगे कि आप कोडिंग करते हो तो बोलेंगे हाँ, लेकिन पूछ देगा व्हाट डू मीन बाई कोडिंग, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, उसका गलत सलत जवाब दे देंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, द वे ऑफ राइटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड क्या, कोडिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडिंग बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं,
द वे ऑफ राइटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल इज कोडिंग। आप चाहें तो इसका सारा का सारा आप नोट्स बना सकते हैं और इसको एक दो बार अगर आप देखते रहिएगा तो आप चीज़ों को काफ़ी अच्छा से पढ़ पाइएगा और एक्सपीरियंस कर पाइएगा। या आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों इसको एक कर लीजिए। ठीक है, वेयर टू कोड। अगर आप सिलेबस वाला मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने देव सी प्लस प्लस कंपाइलर, जो देव सी प्लस प्लस एक आईडी भी है, मैंने आपको बताया है कि मैं सारा का सारा जो कोडिंग करने वाला हूँ, जो सोर्स कोड लिखने वाला हूँ, वो देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में लिखने वाले हम लोग, क्योंकि वो एक आईडी है और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है। हम अपने सोर्स कोड को वहाँ राइट कर सकते हैं और वहीं पे कंपाइल एंड रन कर सकते हैं, इसलिए हम लोग देव सी प्लस प्लस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि देव सी प्लस प्लस कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे सेटअप करना है और कैसे उसको रेडी करना है हमारे कोड को रन करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग जानने वाले हैं सी प्लस प्लस क्या है और उसका हिस्ट्री क्या है, सी प्लस प्लस एंड इट्स हिस्ट्री। तो देखिए, सी प्लस प्लस क्या है? सी प्लस प्लस ये एक्सटेंशन ऑफ सी, सी का एक्सटेंशन है, मीन्स इसमें क्लास का फीचर आ गया है। सी एक छोटा लैंग्वेज, सी इसका क्या है? एक्सटेंशन है, इससे बड़ा नहीं, एक्सटेंशन हो गया। डेवलप्ड बाई जारने एस्ट्रोस्ट्रोब, साइंटिस्ट का नाम। AT&T बेल लेबोरेटरीज में इसको क्या किया गया, डेवलप किया गया इन मुरे हिल्स, जगह का नाम। डेवलप इन द ईयर ऑफ 1979 में इसको डेवलप किया गया। अब 1980 भी कहीं कहीं लिखा रहता है, अब 1980 भी इसको बोल सकते हैं। सी प्लस प्लस इज ए सुपर सेट ऑफ सी, सुपर सेट मीन्स सी से बड़ा लैंग्वेज है, तो इसका क्या हुआ? सुपर सेट हुआ। सी प्लस प्लस सुपर सेट है किसका? सी का। अगर हम बोले तो क्या हो जाएगा? सी प्लस प्लस सुपर सेट है सी का। सी प्लस प्लस एक फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। मोर कंट्रोल ओवर सिस्टम रिसोर्सेज, सिस्टम के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, उस पर जो सी प्लस प्लस से काफ़ी उसका कंट्रोल होता है। मीन्स सी प्लस प्लस से हम उन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट सी प्लस प्लस में काफ़ी अच्छा से होता है, मेमोरी को हम लोग एलोकेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें ऐसे फीचर्स हैं जिसका यूज करके हम लोग मेमोरी का क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक, अभी हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। चूंकि ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो हम लोग सी प्लस प्लस के बारे में सारी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, उसके बाद हम लोग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करेंगे। क्योंकि फर्स्ट वीडियो से ही अगर मैं प्रोग्रामिंग शुरू कर दिया फिर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, उनको पता नहीं चल पाएगा। तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे और उनको पता ही नहीं चलेगा। और जैसे मैंने वादा किया है कि कोर्स टोटली बिगनर फ्रेंडली होने वाला है, कि आज तक कोई कुछ भी नहीं जानता है फिर भी वो जानना शुरू कर देगा। ठीक है, तो उससे पहले हम यहाँ एक मार्कर को कर लेते हैं सेलेक्ट, रेड मार्कर को, या फिर मैं यहाँ इसको कर लेता हूँ नीला। और बताता हूँ, सी इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज विथ नो सपोर्ट ऑफ क्लास। प्रोसीजर मतलब क्या? एक प्रोसीजर को फॉलो करता है, जिसमें इसका बनाया गया प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है, टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है, एक प्रोसेस को फॉलो करता है। लेकिन सी प्लस प्लस क्या है? सी का सुपर सेट है। तो सुपर सेट है मतलब सी का कॉम्बिनेशन है प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दोनों को मिलाकर एक लैंग्वेज बना, कोई दिक्कत नहीं। सी यूजेज स्कैनर एंड प्रिंटर फॉर स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। सी प्रोग्राम में अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना होता है तो हम स्कैनर का यूज करते हैं, अगर आउटपुट को डिस्प्ले पर प्रिंट करना होता है तो हम प्रिंटर का यूज करते हैं, दोनों क्या है? इनबिल्ट फंक्शन है। वैसे ही सी प्लस प्लस में हम क्या करते हैं? सी इन और एंगुलर ब्रैकेट का यूज करके क्या लेते हैं? इनपुट लेते हैं। सी आउट और एंगुलर ब्रैकेट का यूज करके क्या लेते हैं? आउटपुट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हाई लेवल और मिडिल लेवल क्या है, इसको हमने आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि हाई लेवल लैंग्वेज ऐसा होता है जिसको मनुष्य समझ जाए, जिसको ह्यूमन काफी आसानी से समझ जाए। लेकिन मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होता है? जिसको मानव नहीं समझ पाता है, जिसको सिर्फ मशीन नहीं समझ पाता है। और इससे एक लो लेवल होता है जिसको लो लेवल या मशीन लेवल बोलते हैं, जिसको सिर्फ मशीन ही समझ पाता है, हम लोग की बस की बात नहीं है उसको समझना। सी में किसी भी आप प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसको सेव करने के लिए आपको डॉट सी एक एक्सटेंशन है जिसका यूज करना पड़ता है, फाइल नेम डॉट सी, और सी प्लस प्लस में डॉट सी पी पी आपको यूज करना पड़ता है, डॉट सी पी पी। जैसे आपको कोई फाइल है, आपका यहाँ कोई फाइल है, फाइल इसको सेव कीजिएगा, जैसे इसका नाम रखना ABC, तो ABC.CPP आपको लिखना पड़ेगा, तभी ये सी प्लस प्लस का फाइल है, वरना जनरल फाइल की तरह सेव हो जाएगा। इसमें इनहेरिटेंस नहीं होता है, मीन्स एक क्लास का प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में आप नहीं इनहेरिट कर सकते हैं, और इसमें तो आप क्लास बना ही नहीं सकते हैं, क्लास आप नहीं बना सकते, तो इसमें इनहेरिटेंस नहीं होता है।
लेकिन सी प्लस प्लस में आप एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में भेज सकते हैं। जैसे रियल लाइफ के एग्जाम्पल तो मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपका कोई ग्रैंड फादर है तो उसका प्रॉपर्टी आपके फादर में आया है और फादर का प्रॉपर्टी आपके में आया, ठीक है। तो वैसा सी में नहीं होता, सी में इनहेरिटेंस नहीं होता, लेकिन सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होता है। सी एक फंक्शन ड्रिवन लैंग्वेज है, फंक्शन में काम करता है। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट पर काम करता है। इट फॉलो टॉप डाउन अप्रोच, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है, टॉप डाउन ऊपर से नीचे की तरफ एग्जीक्यूट होता है, लेकिन ये बॉटम अप करता है। बॉटम अप मतलब क्या, अगर ये प्रोग्राम है तो बॉटम अप नीचे से ऊपर की तरफ एग्जीक्यूट होता है, ठीक। अभी हम लोग मेजर चेंजेस और अपडेट्स के बारे में जानते हैं जो सी प्लस प्लस में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे 2011 में सी प्लस प्लस 11 आया, मैं इसको वाइट कर लेता हूँ, अभी दिख नहीं रहा वाइट। 2014 में सी प्लस प्लस 14 आया, 2011 है, सी प्लस प्लस 17 आया 2017 में। इसको आप जान सकते हैं एक बार के लिए, हालांकि इसका कोई जरूरी नहीं है, मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है ताकि आपको पता चल पाए कितना अपडेट इसमें आए हैं, ठीक है। अभी हम लोग जानने वाले हैं वाई सी प्लस प्लस। जब सी लैंग्वेज हमारे पास है ही तो सी प्लस प्लस हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। जब सी हमारे पास लैंग्वेज है ही, काम हो ही रहा है उससे, तो फिर सी प्लस प्लस की जरूरत पड़ी ही क्यों, तो मैं आपको बता देता हूँ सी प्लस प्लस की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बेटर फीचर्स देन सी, सी में बहुत कम फीचर्स है, लिमिटेशन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, उप्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, उप्स, जैसे इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इसमें आ जाते हैं, जो प्रोग्राम को काफ़ी अच्छा से रन कराते हैं और काफ़ी अच्छा से हम लोग प्रोग्राम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द हार्डवेयर मीन्स, अगर आपका एपीसी और ये है क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये है आपका क्या लैंग्वेज सी प्लस प्लस, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता है, पीसी से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं, तो इसका जो इंटरेक्शन होता है हार्डवेयर के साथ काफ़ी अच्छा से होता है, इसको इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम कंपाइल कैसे करता है। तो देखिए, सी प्लस प्लस कंपाइल करने के लिए एक कंपाइलर चाहिए। कंपाइलर क्या है, एक सिस्टम प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, एक डब्बा बनाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ क्या, सोर्स कोड, सोर्स कोड, और यहाँ जाएगा एक रहेगा कंपाइलर, और यहाँ आएगा क्या exe फाइल डॉट exe, एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसे बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल जो एग्जीक्यूट हो जाता है। कंपाइलर क्या है, एक सिस्टम प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम जो हमारा क्या करता है, जो हम कोड लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 एक कोड लिख दिए, तो कंपाइलर क्या करेगा, इसको चेक करेगा कि कोई इसमें एरर तो नहीं है। जब कोई एरर नहीं है तो हमारे कोड को कंपाइल कर देगा और हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो कंपाइलर क्या है, एक सिस्टम प्रोग्राम है। सबसे पहले हम सोर्स कोड लिखते हैं, जो हम कोड लिखना चाहते हैं, जैसे कोई भी जो रॉ कोड है हमारा लिख दिए, इसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। इसको कंपाइलर के पास जाता है, कंपाइलर इसको कंपाइल करता है, चेक करता है कि कोई एरर तो नहीं है। कोई एरर नहीं है तो क्या करता है, डॉट exe फाइल में कन्वर्ट कर देता है और हम आउटपुट स्क्रीन पर देख लेते हैं। क्या करते हैं, हम आउटपुट देख लेते हैं। ये रहा सी प्लस प्लस का कंपाइलेशन प्रोसेस। सबसे पहले सोर्स कोड, फिर कंपाइलर के पास जाएगा, कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा, अगर कोई इसमें एरर रहेगा तो कंपाइलर हमें दिखा देगा कि हाँ इसमें एरर है, फिर डॉट exe फाइल में कन्वर्ट होगा और फिर हम आउटपुट इसको देख पाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस देखने वाले हैं, सी प्लस प्लस के क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं। लाइक सी, द सी प्लस प्लस प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का कलेक्शन होता है, ठीक है। और जितना भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम है सबको मेन फंक्शन से शुरू होना होता है। जैसे प्रोग्राम आप कोई लिख दिए तो एक रहता है फंक्शन मेन, मेन फंक्शन रहता है। तो कोई भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम है वो कहाँ से शुरू होता है, मेन फंक्शन से। मीन्स हर एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होना ही होना। कंपाइलर इग्नोर्स वाइट स्पेस। वाइट स्पेस क्या है, जैसे आप कोड लिख रहे हैं, यहाँ कोड लिख रहे हैं एक, तो आप यहाँ लिख रहे हैं लाइन से, कभी आप यहाँ से लिख दिए, फिर आप यहाँ से लिख दिए, तो जो इतना स्पेस है इसको बोलते हैं वाइट स्पेस। आप कहीं भी लिख रहे हैं तो कंपाइलर जो वाइट स्पेस है, जो जगह है, उसको इग्नोर कर देता है, उसके लिए एरर थ्रो नहीं करता है। आप कहीं भी कोड लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और ईच लाइन ऑफ प्रोग्राम टर्मिनेट्स विद सेमी कॉलन। जितना भी लाइन है, जैसे एक लाइन लिखे उसके बाद सेमी कॉलन दीजिए, दूसरा लाइन फिर सेमी कॉलन, हर एक लाइन के बाद एक सेमी कॉलन रहना ही रहे,
इसके स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया गया है कि प्रोग्राम के प्रत्येक लाइन के बाद एक सेमी कॉलन होना ही होना। ठीक, इतना हम जान गए। अब हम जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ सी प्लस प्लस, कि जो हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ रहे हैं इसका कुछ यूज भी है या फिर ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं, इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप सी प्लस प्लस का यूज करके क्या कुछ कर सकते हैं और क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, और इसका यूज किस किस चीज में होता है। तो सबसे पहले यू टू डेवलप एडिटर्स, एडिटर्स को डेवलप करने के लिए जैसे नोट पैड, नोट पैड जैसे आप एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप कंपाइलर बना सकते हैं, आप डेटाबेस को बना सकते हैं। इसके अलावा कैन बी यू टू डेवलप स्पेशल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइब्रेरीज, जैसे लाइब्रेरीज होता है रियल लाइफ में क्या होता है, उसमें बहुत सारे बुक का कलेक्शन होता है, वैसे ही आप सी प्लस प्लस में लाइब्रेरी बना सकते हैं जो और सारे यूजर उसको यूज कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे इनबिल्ट मेथड फंक्शंस रहेंगे पहले से, उसको कोई यूजर यूज कर सकता है या फिर आप भी अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं, अपने काम को आसान करने के लिए। ठीक है, लाइब्रेरी में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस रहते हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स आर रियली मेंटेनेबल एंड एक्सपेंडेबल। सी प्लस प्लस प्रोग्राम को हम काफ़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करना मत भूलें। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, यूट्यूब चैनल को। लिंक्डइन पर जाकर हमसे कनेक्ट हो जाइए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल में जाकर कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि यार जब हमारा वीडियो लेक्चर अब शुरू हो रहा है, जैसे ही हम प्रोग्रामिंग पार्ट में इंटर करेंगे तो मैं हर एक दिन आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दूंगा, जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दूंगा, जिसका आंसर आप क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आप कमेंट कर दिए और मैं इसका आंसर अपने टेलीग्राम ग्रुप में क्या करूंगा, पोस्ट करूंगा। आप वहां से देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं, और आप तभी देख पाएंगे जब आप उसको ज्वाइन करेंगे। तो आपको ज्वाइन कर लेना है, आपको टेलीग्राम चैनल क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है और चीज़ को एक्सप्लोर करना है। तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत सारा चीज़ बता दिया है। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है कमेंट करना मत भूलें, और कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि यार एक बहुत सारे बच्चों के लिए लाइफ चेंजिंग चैनल हो सकता है, उनको प्रोग्रामिंग जर्नी में उनका काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, उनकी प्रोग्रामिंग जर्नी में काफ़ी हेल्प उनकी कर सकता है। अगर हम बात करें अगर आपके बीटेक के लिए, अगर बीटेक में आप हैं और सेमेस्टर एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन करना है, तो ये चैनल इतना हेल्पफुल साबित हुआ कि आप अपने एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाएंगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि मैं इतना ना टॉपिक इसमें पढ़ा दे रहा हूँ कि इससे बाहर आपके बीटेक में है ही नहीं, आप एकदम क्वेश्चंस की बैंड बजा देंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलकर आगे बढ़ते हैं यार, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।